गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज फॉर एनी एग्ज़ाम पार्ट 8 की, जिसमें हमने एचपीएसएससी के एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चखे हैं, जो लिए हैं, जो आपके जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिजिक्स भी इसमें कवर अप करेंगे, केमिस्ट्री भी इसमें कवर अप करेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपको मज़ा भी आएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आज हम एचपी सेट का हिंदी का पेपर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। 23 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है हिंदी का, एचपी पीएचडी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा शाम को, और इस शाम वाली वीडियोज़ में भी मेरे साथ जुड़िएगा। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, ये इनमें से बतानी है कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो किसी से डिराइव नहीं की जाती, ठीक है, खुद ब खुद ली जाती है। जैसे कि फर्स्ट है आपकी लेंथ, लेंथ की जो सिंबल है या ऐसा यूनिट है वो आपकी है मीटर। उसी तरह से सेकेंड है मास, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम। थर्ड था फंडामेंटल यूनिट टाइम, टाइम की सेकेंड। फोर्थ फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। फिफ्थ फंडामेंटल यूनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर की केल्विन। सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, उसकी कैंडेला होती है। और सेवन्थ फंडामेंटल यूनिट आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसकी ऐसा यूनिट होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सेवन आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर ये दो जो है, फोर्स और वर्क जो है, वो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स है जो फंडामेंटल यूनिट से ली जाती है। फोर्स की जो वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो न्यूटन होती है। वर्क की जो वैल्यू होती है वो जूल होती है, ठीक है, जूल होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, जब कभी जो लाइट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में वैक्यूम में, तो वो क्या होगा, आपका लाइट ईयर होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ये सारे की सारी लेंथ की वैल्यूज़ हैं। ये लाइट ईयर भी जो है वो लेंथ की वैल्यू है, ठीक है। वन लाइट ईयर जो है 9.46 × 10^15 मीटर का होता है, और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो आपकी 1.5 × 10^11 मीटर की होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनके ऊपर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। तो देखिए, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी लिखिए आप कि मास होती है, स्पीड होती है, वॉल्यूम होती है, वर्क होती है, टाइम होता है, पावर होता है, एनर्जी होता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका वॉल्यूम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही जो है स्केलर क्वांटिटी है आपकी। बाकी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, और एक ट्रायंगल लॉ को भी ये ओबे करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क इसमें आ जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपिया अ बुक रिटन बाय। जो प्रिंसिपिया बुक है वो किसने लिखी है। प्रिंसिपिया बुक जो थी वो 1667 में आई थी, और इसमें न्यूटन्स के जो लॉ थे वो लिखे गए थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्रिंसिपिया किसकी बुक थी, वो न्यूटन की ही बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो देखिए वो है आपका लवोइजियर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लवोइजियर जो है आपका मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा मेटल है जो आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो देखिए मेटल की बात करें तो मर्करी वो ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन तीनों की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। क्या ये सही है, आपको उसमें स्टेटमेंट मेरी क्लियर करनी है। तो दूसरा देखिए, यहाँ पर ग्रेफाइट भी एक तरह से नॉन मेटल है, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एकमात्र नॉन मेटल में, तो ये क्या सही है, ये भी स्टेटमेंट आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ पर सोडियम जो है ये एक अल्कली मेटल है, ठीक है, प्लस वन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके पास दोनों मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है। तो जिनके पास दोनों मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, विच प्रोसेस बोथ द प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। तो इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ भी तीनों में मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो ये दीज आर थ्री मेटलॉइड्स। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ह्यूमन बॉडी से मिलता है। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ऑयल्स वगैरह भी आ जाते हैं इसमें, तो ये भी आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये ऊपर के जो सब्सटेंस है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा बना है पूरी तरह से, वो बना है आपका सिक्किम। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो जनक बोले गए हैं वो आपके शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिमाचल से ही हुई थी, और आपका जो देवव्रत आचार्य जी थे जो आपके हिमाचल के पहले कुछ समय पहले गवर्नर थे, तो आजकल वो गवर्नर है गुजरात के, तो उन्होंने ये जो शुरुआत की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्रोटीन सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 349 केल्विन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 349 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस दैट चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स एप्लीकेशन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड, अगर कोई प्रोसेस है यानी कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, ठीक है, अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है या वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है हीट देने पर, तो वो प्रोसेस कौन सी होगी, वो आपकी सब्लिमेशन प्रोसेस होगी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर मैंने आज कुछ टॉप MCQs किए हैं जनरल साइंस के, तो आपके HPSSC और HPPSC के लिए टारगेट के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चंस। तो जिन्होंने HPPGT का एग्ज़ाम देना है तो वो आज शाम को मेरे साथ हिंदी के लेक्चर में जुड़े और अच्छे से देखें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शाम को मेरे साथ जो है हिंदी के लेक्चर में ज़रूर 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 जुड़ें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे उसका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।